Everybody dreams, but to believe in your dream and act on it, that makes you an achiever. The story of Central Bank of India is about an extraordinary man with unshaken belief in his dream to set up a bank of Indians by Indians, Sir Sourabji Pochkhanawala, to disprove a British manager's notion that Indians could not manage banks, resigned from his job as assistant accountant and founded Central Bank of India in 1911. From a small office in Fort, it became, within 12 years, the largest bank in India. With the consolidation of past achievements and the experience gathered in over a century, Central Bank of India is confident that while it remains the people's bank, it will also emerge as a true national asset. We believe, we bond, we build. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज वाकई में बहुत ही खुशी का दिन है हम सभी के लिए। आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना 110वां स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे मना रहा है। आज इस खुशी की घड़ी पर आप सभी सेंट्रलाइट्स को, हमारे कस्टमर्स, हमारे बिजनेस एसोसिएट सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। वाकई में एक बहुत बड़ा सफ़र रहा है आप सभी का, बड़ा कामयाब सफ़र। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, 1911 में हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले पहली स्वदेशी बैंक की स्थापना सर सोराबजी पोचखानावाला इन्होंने की। तो लीजिए, सबसे पहले हम उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करते हैं। और माल्यार्पण करने के लिए मैं यहाँ पर दावत देता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ श्री पल्लव मोहपात्रा साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अलोक श्रीवास्तव एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर श्री पीपी पांडा साहब। सभी मान्यवरों का फिर से तहे दिल के साथ धन्यवाद। वाकई दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत दिन है हम सभी के लिए। और आज इस खूबसूरत दिन को और भी रंगीन बनाने के लिए हार्डवेव्स के हम सभी साथी कलाकार इस वक्त मंच पर मौजूद है, आनंद पालवनकर और सभी दोस्तों। मैं
आज क्या बताऊं, बहुत खुशी की बात है कि मैं भी कहीं सेंट्रल बैंक से जुड़ा हुआ हूं और एक ऐसी बैंक जो सारे हिंदुस्तान में फैली हुई है और कई काम जो हैं इस बैंक के जरिए हो रहे हैं, कई सोशल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान इस भारतवर्ष को, इस भारत देश को हो रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। मैं फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ देते हुए ये संगीतमय सफ़र यहाँ से शुरू करता हूँ। और आज मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ, आज हमारे साथ कई सितारे जुड़े हुए हैं आवाज़ की दुनिया के, ये पहला सितारा है जिसे मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप सभी हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पैंडेमिक की वजह से ये लाइव स्ट्रीमिंग शो अब शुरू होने जा रहा है, तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं मैं उन सभी का स्वागत करते हुए, आइए मंच पर मैं स्वागत करना चाहता हूँ, स्क्रीन पर स्वागत करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के एक ऐसी आवाज़ का जिसने रफ़ी साहब के गीत गा गा कर जो है पूरी दुनिया के संगीत प्रेमी दिलों का प्यार हासिल किया है, जिनका नाम है सर्वेश मिश्रा। नमस्कार सर्वेश जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से और आज हमारे तमाम कलाकारों की ओर से आपका आज की इस बहुत ही खूबसूरत हसीन शाम में मैं विनायक तहदिल के साथ स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच विनायक दादा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि 110वें स्थापना दिवस पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े सभी, और आई थिंक सभी जुड़े हैं, पूरा विश्व, बिल्कुल पूरा भारत में और सब पूरे काफ़ी कई शाखाएं हैं, सभी जुड़े हैं, तो सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक दो लाइन इनके लिए गाना चाहता हूं। बिल्कुल गाइए, जरूर गाइए, मैं जानता हूं क्योंकि आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 100 साल जो है अधिक इस बैंक को हुए हैं और 100 साल हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी हुए हैं। जी जी जी, तो ये 100 साल का जो सेलिब्रेशन है, एक रिश्ता जो है बना हुआ, बस इसी को बरकरार रखते हैं। आइए सुनते हैं ये दो लाइनें जो कहने जा रहे हैं। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें इनसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वाह क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन लाइनें आपने चुनी, वाह कमाल है। आज हमारे साथ कई खूबसूरत चेहरे भी जुड़े हुए हैं और आप तो जानती हैं इंडस्ट्री के सारे नगमे जो बने हैं हुस्न वालों के तारीफ में ही बने हैं, तो मैं चाहता हूं रफ़ी साहब का कुछ ऐसा नगमा जो है आप सुनाएं जिसमें जो है तमाम हुस्न वाले जो देख रहे हैं इस शो को वो खुश हो जाए। बहुत ही प्यारा चुना है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाबू, तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया।
हर सुबह किरण के लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू पल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। थैंक यू। तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, आपको हसीन और हमें मेहरबा बनाया। देखिए आज इस खूबसूरत प्रोग्राम को देखने के लिए, सुनने के लिए अब तक तकरीबन 800 से लेकर 900 लोग जो है जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस 110वें स्थापना दिवस पर तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। लीजिए अभी अभी जो है इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है रफी साहब के गाए इस बेमिसाल गीत के साथ। दोस्तों स्वर सम्राज्ञी भारत की कोयल जिसे हम कहते हैं, मजरू साहब ने दो पंक्तियां कुछ ऐसी लिखी हैं, उनके बारे में मैं यहां पर दोहराना चाहता हूं। आवाज के जिसमें जन्नत है, तानों में सरस्वती बसती है। आवाज के जिसके जन्नत है, तानों में सरस्वती बसती है, कर दे जमाने को दीवाना, ऐसी हिंदुस्तान में केवल एक ही हस्ती है और वो है भारत रत्न लता मंगेशकर जी। लीजिए लता जी के तो कई गाने हैं, उनमें से एक गाना चुनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज ये गाना हमने आपके खातिर चुना है फिल्म गाइड से। और इस बेहतरीन नगमे को आप सभी के नज़र करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गुलकारा को मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आइए स्वागत करते हैं आपकी स्क्रीन पर, आप हैं शेफाली टगर सिंह। Ah।
बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली जी, थैंक यू सो मच। आज बड़े ही प्यारे गायक और साजिंदों के साथ ये शाम हम सभी के जीवन में आई है। वाकई में बहुत ही सुहानी, बहुत ही मधोशी भरी ये शाम रहेगी। हम सभी के लिए बड़े यादगार शाम साबित होगी, क्योंकि आज देखिए कई प्यारे चेहरे, कई प्यारी आवाज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इंडस्ट्री में ऐसे कई गीतकार रहे, निर्माता निर्देशक रहे, संगीतकार रहे। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, उनके गीतों में एक अलगपन हमेशा था। गाना जब हम सुनते हैं, हवाओं पे लिख दूं हवाओं के नाम, पता ही नहीं चलता क्या कहना चाहता है गीतकार। तो कभी लिखते हैं, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। कभी कहते हैं ये कि बीड़ी जलाए ले, जिगर में बड़ी है आग। तो इनके कलम की जादूगरी कमाल की रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं बात कर रहा हूँ गुलजार साहब की, यहाँ पर जिनके कई गाने जो है हमें मोहित करते हैं। हालांकि उनका एक दूसरा रूप निर्देशक का भी रहा, और निर्देशन करते वक्त उन्होंने अपने हीरो को हमेशा मूछे लगाई। बिना मूछे वाला हीरो नहीं था उनकी फिल्म में, सभी को मूछे थी। तो यहाँ पर भी ये मेरे ख्याल से उनके करियर की पहली फिल्म होगी, मेरे ख्याल से निर्देशन में पहली मेरे अपने, देन सेकेंड ये। जी हाँ, हम सुनाने जा रहे हैं फिल्म परिचय से किशोरदा के गाए इस बेमिसाल गीत को। पंचमदा का संगीत रहा है, और आज इस गीत को पेश करने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इंडस्ट्री के एक बहुत ही मंजे हुए जो है म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर और गायक अर्णव चैटर्जी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ स्क्रीन पर इनका स्वागत हो। जी हाँ, हम तालियों की आवाज़ों को महसूस कर रहे हैं बिल्कुल आपके कमेंट्स के साथ। तो आइए सुनते हैं अर्णव जी को। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, हे हे मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, चलते जाना है बस चलते जाना। इशारे
मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बहुत बहुत शुक्रिया अर्णव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों का, सुनने वालों का, क्योंकि देखिए कितने बेहतरीन गीतों को हमने चुना है आज की शाम में। वाकई में बड़ी सुहानी शाम है। और क्या बताऊं मैं आपको कि इंडस्ट्री में यूं तो कई गाने हम सुनते रहते हैं, एक संगीत के ज्ञानी को आनंद, एक संगीत के ज्ञानी को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट धुन बनाना आसान होता है, और आसान से आसान धुन बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये मुश्किल काम कर दिखाया जिस संगीतकार ने, उस संगीतकार की हम बात कर रहे हैं। कमाल का संगीत रहा, गजल के मीटर में बने गीत को उन्होंने कैबरे में बदल डाला, रोमांटिक गीतों को अपने जो है भक्ति गीतों के धुन में ढाला और उसे लोकप्रियता हासिल हुई। कमाल का संगीत रहा उनके करियर का, ज़्यादा कुछ नहीं, 89 फिल्मों को उन्होंने संगीत दिया, 2 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ये हैं हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संगीतकार सचिन देव बर्मन साहब, जिनके बारे में मैं कुछ जितना कहूँ उतना कम है। लीजिए उन्हीं के संगीत से सजा फिल्म ज्वेल थीप का एक बड़ा ही अनोखा गीत हम आपके नज़र करने जा रहे हैं। बिल्कुल अलग अंदाज के साथ आशा जी ने इस गीत को गाया था और आज वही अंदाज हमें सुनने मिलने वाला है। और देखिए आज पेश करने के लिए कौन है हमारे साथ, इंडस्ट्री की वो आवाज़ भाई जिनकी आवाज़ के कायल सारी दुनिया है, बस नाम ही काफी है, संगीता मेड़ेकर इस वक्त हमारे कैमरे के सामने आई है। तो आइए देर की बात की है, लुफ्त उठाते हैं इनकी आवाज का। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहीं भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुक भी है फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत की इजाजत है, चुप क्यों रही है, जो चाहे कही। रात अकेली है,
लगी उलझन सीनों में, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में, सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं जानता हूं इस वक्त इन गीतों को आप पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 100 साल का ये लंबा सफर रहा है हमारे बॉलीवुड का, न जाने कितने लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एक गायक, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक, 1951 आनंद मठ फिल्म के संगीत के लिए उन्हें खास कलकत्ता से मुंबई बुलाया गया, और उसके बाद जो उन्होंने एक फिल्म को संगीत दिया नागिन, जिसका संगीत सर चढ़कर बोला, उसके बाद उन्होंने फिल्में बनाई, हिंदी फिल्में बनाई, खामोशी जैसी फिल्में बनाई और बहुत ही बेहतरीन की थी। लेकिन क्या आनंद बाबू आप जानते हैं कि देवानंद साहब के लिए उन्होंने 11 गाने गाए? यस यस। और अब जो गाना गाने वाला हूँ वो देवानंद का ये आखिरी गाना। यस यस बिल्कुल। देवानंद के लिए 1951 से ये सिलसिला शुरू हुआ जो जाकर 1961 में रुका इस फिल्म के बाद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बात कर रहा हूँ मैं हेमंत कुमार साहब की, और आज आनंद पालवनकर जो हमारे इंडस्ट्री के बड़े ही जाने माने कीबोर्ड प्लेयर हैं, साथ ही साथ 60,000 बॉलीवुड के गाने उन्हें विद ट्यून याद है, और इसकी वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जाने वाला है। तो हमारी ओर से बधाई आपको आनंद जी, और मैं चाहता हूँ कि हेमंत कुमार साहब का वो अंदाज हमें सुनाया। सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़े अवसर पे मैं उन सब का तहे दिल से अभिनंदन प्रकट करता हूँ यहाँ तमाम आर्टिस्ट लोग के माध्यम से। और जैसा मैंने कहा कि हेमंत कुमार, शायद यही रीज़न है कि वो खुद एक संगीतकार थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, निर्माता बन चुके थे, तो लोगों ने, सब म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, सब ने एज अ कॉम्पिटिटर करके उनको ट्रीट करना शुरू किया। शायद यही वजह है ये एस डी बर्मन जी ने देवानंद साहब के लिए जो उनकी आवाज़ यूज़ की, ये आखिरी गाना साबित हुआ देवानंद के लिए। उसके बाद में हेमंत कुमार जी ने कभी गाना नहीं गाया। आई डोंट नो द रीज़न बिकॉज ये गाना इतना, और देवानंद को वैसे भी देखा जाए तो हेमंत कुमार जी की आवाज़ परफेक्ट सूट भी होती थी, ये रात ये चांदनी बोले जी, बहुत सारे गाने हैं। बहरहाल सुनते हैं ये गाना, बात एक रात की। मगर लगता है कुछ ऐसा, मिल गया न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया।
चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हम जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेंगे ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेंगे ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहां, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो। वाह, आनंद बालवन फिर कमाल कर दिया आपने। बिल्कुल, जब भी आपका हेमंत कुमार वाला अंदाज हम सुनते हैं तो उस गीत के आगोश में चले जाते हैं। कमाल का जादू है आनंद जी की आवाज में। और देखिए, यहाँ पर हमसे अभी अभी जुड़े हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय श्री अलोक श्रीवास्तव साहब, और आज हमारे 110वें स्थापना दिवस पर वो हमें एक संदेश देने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनका ये संदेश हम सभी के प्रति। आई एम प्लीज टू कन्वे माय हार्टी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू सेंट्रलाइट्स ऑन दिस वेरी स्पेशल ओकेजन ऑफ आवर बिलवड बैंक्स 110th फाउंडेशन डे टुडे, दैट इज 21st December 2020, एस्टैब्लिश्ड बाय द ग्रेट विजनरी सर सोराबजी पोचकानावाला इन मुंबई इन द ईयर 1911. Our Central Bank of India, a truly Swadeshi bank, now has a pan-India network with a business mix of nearly 5 lakh crores. With a golden past and pioneer of many banking schemes, our bank has faced lots of challenges in the past couple of years, particularly deterioration of asset quality, which adversely affected our profitability and growth as well. After some tough times, our bank is moving on the path of progress once again. Our efforts to bring down the NPA level are showing good results, but challenges are not yet over, and we have to put more efforts to make it a strong bank. We have a long way to go. As a Government of India's public sector undertaking, Central Bank of India is serving to all the sections of the Indian society and has always contributed significantly to India's development and will always adhere to implement the government policies and guidelines. On this important day, we should again resolve to continue to serve the nation as well as our customers. Since beginning, Central Bank of India has received immense support from its customers, and generation of our customers are emotionally connected with us. We must have the same affection towards our customers. It's a well-known fact that customers are pillars of the bank, and only through their patronage and kind cooperation, bank can move on the path of prosperity and better business. It's our duty to keep our customers delighted. Now, we have to adopt the ever-changing technology to make banking easy, safe, secure, and accurate. Project Disha, LLMS,
and many more initiatives have been introduced. Bank is not leaving any stone unturned towards betterment of recovery mechanism, CBS system, processing of retail loans, grievance redressal mechanism, renovation, beautification of premises, etc. As our beloved bank is moving towards super centenarian year, we have to rededicate ourselves to get back its glorious position in the banking industry. Wish you all the best. Thank you. Thank you so much, Srivastav Sahab. बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस अनमोल संदेश के लिए. सभी को इनक्रेज कर दिया है आपकी इन बातों ने. बिल्कुल, इस पैंडमिक युग में भी सारे प्रिकॉशन लेकर अपनी सेवाएं लोगों को देते आई हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. हमें गर्व है इस बात का कि आपको भरोसा है हम पर. क्या बात है. यही बात एक कलाकार की है अपने श्रोताओं के प्रति भी. और लीजिए, अब मैं बातें कर रहा हूँ एक ऐसे संगीतकार की जिनमें एक अलगता जो है महसूस हुई. जब भी हम इनके गीतों को सुनते हैं, शुरुआत जब गाने की होती है तो किसी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होती है, और फिर जाके जैसे ही अंतरा शुरू हो जाता है, ढोलक एंड सारी चीज़ें जो है इंडियन इंस्ट्रूमेंट जुड़ जाते हैं. तो ये कमाल का जादू रहा. कभी कभी तो ऐसा रिदम उन्होंने बनाया जिसे आजकल लोग घोड़ा गाड़ी मेलोडी कहते हैं. तो वो घोड़ा गाड़ी के जैसे रिदम पर इतने बेहतरीन रोमांटिक धुन बनाने में सबसे अधिक कामयाब रहे ये शख्स, ये फनकार, ये सुरों के जादूगर ओपी नैयर साहब. दोस्तों, ऐसा ही एक गीत ओपी नैयर साहब का जिसमें जिसकी शुरुआत में ही चेलो, सितार एंड सबसे बड़ी बात सारंगी जिसका इस्तेमाल जो है किया गया था. तो क्या मज़ा होगा इस गीत का. ये सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जादू आनंद पालवनगर दिखाने वाले हैं. मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ इस गीत को पेश करने के लिए सर्वेश मिश्रा साहब को और संगीता जी को. आइए सुनते हैं कश्मीर की कली से इस संगीत के जादू को. मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले. दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है जान वफा तुम खूब मिले, है जान वफा तुम खूब मिले. दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल जुमा ले प्यार अंगड़ाई. दीवाना हुआ बादल
बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अकड़ाई दीवाना हुआ बादल दीवाना हुआ बादल दीवाना हुआ बादल प्रिंस ऑफ द मेलोडी जिन्हें हम कहते हैं वो हैं शंकर जयकिशन साहब। फिल्म बरसात से इनके करियर की शुरुआत हुई और उनके बाद जो है कुछ ऐसे गीतों की बरसात की उन्होंने हम पर कि आज भी हम उनके गीतों में झूमते हैं गाते हैं नाचते हैं। तो आज ऐसा ही उनके संगीत में सजा ये लाजवाब गीत फिल्म उजाला से आपके नजर हो रहा है जो मन्नाडे साहब और लता जी का गाया हुआ है। शेफाली जी इस वक्त मंच पर आई हैं साथ देने वाले हैं आनंद पालवनकर। ये ऐसी फिल्म है शम्मी कपूर की धमाल फिल्म जिसमें शम्मी कपूर ने सारे नॉन रफी सॉन्ग्स गाए हैं। क्या बात है लेकिन फिर भी मस्ती उतनी ही कायम है। मौसम मस्त महीना चांद सी गोरी एक हसीना आँखों में काजल मुंह पे पसीना याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के प्यार का जादू हम पे चला के याला याला दिल ले गया याला याला दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना चांद सी गोरी एक हसीना आँखों में काजल मुंह पे पसीना याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई ठंडी सड़क नीम तले तीर नजर खूब चले याला लाल चुनरिया चाल निराली सर पे झूमर कानों में बाली हाथों में चूड़िया मोतियों वाली याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के प्यार का जादू हम पे चला के याला याला दिल ले गया याला याला दिल ले गया महीना चांद सी गोरी एक हसीना आँखों में काजल मुंह पे पसीना याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई। थैंक यू थैंक यू।
आनंद जी, इस वक्त हमारे साथ 1000 से भी अधिक लोग जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं उन सभी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस 110वें स्थापना दिवस पर तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। तुम कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? हम लोगों ने IPL बिहाइंड द डोर्स देखा। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया था, स्टेडियम में स्पीकर्स लगाए थे। बिल्कुल। हाँ। रोहित शर्मा सिक्सर मारता है, वो तालियों को शोर की आवाज स्पीकर पे थी। स्टेडियम एम्प्टी था, पूरा हॉलोनेस था। यहाँ पे कुछ हम लोग भी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जान रहे हैं कि कैमरा के उस पार बहुत लोग हैं, इस पार तो सिर्फ हम लोग ही हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी आपका रिस्पांस है, हम लोग फील कर रहे हैं। Am I right? Yes, बिल्कुल, हम लोग फील कर रहे हैं। वहाँ तालियां बज रही हैं, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ इस वक्त। और इन सभी के साथ हम बढ़ रहे हैं अगले गीत की ओर। एक ऐसे एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ जिनको अपने करियर में 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, और ये फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पहली गोल्ड मेडलिस्ट एक्ट्रेस थी जो इंडस्ट्री में आई। सत्यजीत रे साहब की फिल्म महानगर में इन्हें हमने पहली बार देखा, उसके बाद दो बंगाली फिल्म आई, और उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी की एक ऐसी फिल्म आई जिस फिल्म ने उनको एक अलग ही पहचान दी, क्योंकि फिल्म का नाम ही बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का नाम था गुड्डी। जी हाँ, गुड्डी फिल्म का नाम लबों पे आते ही जया बच्चन जी का चेहरा जो है हमारे आंखों के सामने आता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जया बच्चन जी की ही, तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ड्यूट जो जया बच्चन जी और अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया था, फिल्म अभिमान से। अर्नव जी और संगीता जी इस गीत को आपकी नज़र कर रही है। मिलन की रहना।
तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से, तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। यदा से सताएगी, मैयदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच अर्णव जी। 1966 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स द्वारा एक यंग टैलेंट को लाने के लिए स्क्रीन पर एक कंपटीशन हुआ था, जिसके विजेता रहे एक सदाबहार अदाकार, जिनको फिर उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने वादे के मुताबिक सभी ने ये कहा था कि हम आपको आप हमारी फिल्म में मौका देंगे। बी आर चोपड़ा साहब ने उनको लेकर बनाई थी फिल्म इत्तेफाक, जीपीसीपी साहब ने उनके लिए बनाई फिल्म राज, बहारों के सपने बनाई नासिर हुसैन साहब ने, तो राज खोसला साहब ने बनाई फिल्म दो रास्ते, एंड ऑफकोर्स शक्ति सामंता इन्होंने भी फिल्म बनाई आराधना। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज खोसला साहब ने बनाई फिल्म दो रास्ते, और इस फिल्म का ये बहुत ही बेहतरीन गीत हमारे पहले और आखिरी सुपरस्टार यानी कि राजेश खन्ना साहब पर फिल्माए गए। आइए सुनते हैं ये बहुत ही बेहतरीन गीत जिसे पेश कर रहे हैं सर्वेश जी एंड शिफाली जी। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना, तेरे होठों पे राज के बहाना था, गोर तुझको तो आज नहीं आना था। चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, मैंने छोड़ा जमाना
मेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई, तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। छुप गई सारी नजारे ओए क्या बात हो गई, छुप गई सारी नजारे ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। क्या बात है, क्या बात है, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। देखिए कितने मस्ती भरे नगमे इस वक्त हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल बड़े ही उत्साह जोश के साथ जो है हर नगमे को अंजाम दे रहे हैं आज हमारे यहाँ पर मौजूद तमाम ये साजिंदे। मैं यहाँ पर आप इनका परिचय देना चाहूँगा, भरत सिंह साहब जो कि ढोलक एंड न जाने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट के बीच घिरे हुए हैं जो आज हमारा साथ दे रहे हैं। अजय दामले जी इस वक्त ऑक्टोपैड एंड तबले पर हमारा साथ दे रहे हैं। पीयूष कदम साइड रिदम पर्कशन पे हमारा साथ दे रहे हैं। दीपक धनावड़े साहब इस वक्त जो है कोंगो पर हमारा साथ दे रहे हैं। यहाँ पर विजय जी जो कि बेस गिटार पे हमारा साथ दे रहे हैं। आनंद पालनेटकर ना जो हमें लीड गिटार पे हमारा साथ दे रहे हैं और आज पूरे ऑर्केस्ट्रा की बागडोर संभाले हुए बैठे हैं आनंद पालवनकर साहब अगले गीत को सजाने के लिए, क्योंकि आनंद जितने भी इंडस्ट्री में फीमेल डुएट्स बने हैं सारे के सारे पॉपुलर। अगर आप बात करें आमिर भाई कर्नाटकी और लता जी का गाना, आशा जी एंड शमशाद बेगम जी का गाना, या लता जी और उषा मंगेशकर जी का गाना, सारे के सारे सुपरहिट आज हम आपको सुना रहे हैं। आशा जी और लता जी का गाया एक ऐसा ही बेमिसाल गीत फिल्म पड़ोसन से, जिसे पेश करने के लिए मंच पर हमारे साथ हैं शेफाली एंड संगीता जी। ये वन ऑफ द मोस्ट टफ सॉन्ग है, लता जी आशा दोनों जी ने बताया था इंट्रो में। इसकी रीज़न ये है कि ये गाना आगे जैसे आगे बढ़ता है अलग अलग स्केल चेंज होते हैं, 3 से 4 स्केल में ये गाना जाता है आगे चलते चलते, और ऐसे अलग अलग स्केल में एक ही गाना एक ही टेक में, ये तो दो बहनें महान लता जी और आशा जी कर सकती है। देखो
ये साइकिलिंग यूं ही चलती रहने वाली है आपकी, लेकिन इसी दौरान मुझे आप सभी को बताने में बहुत खुशी हो रही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर पल्लव महापात्रा साहब। आज हमारे महापात्रा साहब जो हैं, हम तमाम लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनके दिल की बात। Dear Centralites, as you know that the bank is entering into 110th year of its existence on 21st December 2020. On this occasion, I extend my warm greetings to each one of you, including those who have served this great institution earlier and who are now our respected retired employees, and who are also presently working in the organization. And they have all worked towards taking forward the vision of our beloved founder and visionary, Sir Sorabji N. Pochkanawala. The efforts put up by Sir Pochkanawala in founding and steering Central Bank of India through its formative years are well known to all of you. This was the first Swadeshi bank which was basically founded by Sir Pochkanawala, and it was appreciated, applauded, and regarded by all and sundry. The bank made great strides under his great leadership, introducing many pioneering products and services which were new to the nation at that point of time. And this bank commanded leadership position in the industry at the time of nationalization of banks. I wish all of you the very best in your endeavors. Basically taking this opportunity, I wish you and your family all the best in life, and God bless you all. Thank you. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये संदेश हमें और भी हौसला देता है, और आपका आशीर्वाद हमें मिला, हम इसके अभिलाषी थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। हालांकि आनंद जी, ये एक फरमाइश है इस गीत की खास तौर पे, और मजरू सुल्तानपुरी साहब का ये गीत है, और आशिक के दिल की बात देखिए उन्होंने किस अंदाज के साथ लिखी है। सर्वेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आ जाइए आप स्क्रीन पर, ताकि लोग समझ जाएं कि ये गीत जो है रवि साहब का गाया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन नगमा है, फिल्म अभिलाषा से हम आपकी नज़र कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस लाजवाब नगमे को। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, जब चुराओगे तन बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मैं
अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी। तुम कहीं नजर आओगे, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वे जी, थैंक यू सो मच। आज आपका साथ मिला है और विसाव के सुमधुर गीत हम इस वक्त दौरान सुन रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री के एक ऐसे संगीतकार की जो कि एक बहुत ही अच्छे गीतकार भी रह चुके हैं और इनका एक बहुत बड़ा योगदान आज़ादी के आंदोलन में भी रहा। जब आंदोलन चल रहा था कलकत्ता में, तब उन्होंने जो लोग मारे गए थे इस आंदोलन के दौरान, तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वो बने रहे और उन्होंने उस शहादत पर एक बहुत ही बेहतरीन कविता लिखी जो आगे चलकर बहुत पॉपुलर रही। और वो अपने इन गीतों के साथ, इन कविताओं के साथ लोगों का हौसला बढ़ाते रहे और एक जंग उन्होंने जीत ली। हालांकि संगीत उनके रग रग में बसा था। वो कलकत्ता में कई उन्होंने फिल्मों के लिए कंपोजिशन किया और उसके बाद वो मुंबई आए। मुंबई में उनको पहली फिल्म मिली जो कामयाब रही, दो बीघा ज़मीन, और उसके बाद जो हैं उन्होंने संगीत बरसाया कमाल का। आइए सुनते हैं, वो संगीतकार थे सलील चौधरी साहब, उनके संगीत से सजा फिल्म मधुमति का ये लाजवाब गीत। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ।
दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आप ना चुरा, तुझे पसंद है आ भी जा। जिस तरह दिन महीनों में महीने साल में बदलते हैं, वैसे ही युग बदलते रहते हैं। 50 का दशक, 60, 70, 80 और 90 का दशक आते आते नेक्स्ट जनरेशन जो है वो लोगों के सामने आती गई। हालांकि ये बात 70 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 90 के दशक में बहुत ही अच्छे संगीतकार फिर एक बार हमें प्राप्त हुए। बहुत ही मेलोडियस गाने इस दौरान बने। जतिन ललित साहब, नदीम श्रवण जी, आनंद मिलन जी, ऐसी कई जोड़ियां इस दौरान आई। हम आपको सुनाते हैं जतिन ललित साहब के संगीत से सजा फिल्म खिलाड़ी का ये गीत, अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक का अंदाज। आपकी नजर कर रहे हैं शेफाली एंड आनंद पालवनकर।
चेहरे पे छाई, क्या बात है जो तेरी आंख भर आई, कैसी उदासी तेरे चेहरे पे छाई, क्या बात है जो तेरी आंख भर आई, देखो तो क्या नजारे हैं, तुम्हारी तरह प्यारे हैं, हंसो ना मेरे लिए तुम, सभी तो ये तुम्हारे हैं, ओ जाने जा हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिटना सकेगा फसाना, बिल्कुल ये रिश्ता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सारी हमारे भारतवासियों का, तो ये एक भरोसे का रिश्ता है मैं ये समझता हूँ। और आज देखिए हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो इस प्रोग्राम को लाइवली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं अर्णव चैटर्जी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मंच पर आएँ। सर, बंगाल तो मेरे ख्याल से संगीत और गीतों का खजाना रहा है, इस भूमि से न जाने कितने संगीतकार हमें प्राप्त हुए, न जाने कितने गायक प्राप्त हुए, आप जिनके गाने गा रहे हैं किशोरदा उनके बारे में क्या कहा जाए, ना तो केवल वो सिर्फ गायक थे बल्कि एक अदाकार, एक निर्माता, एक निर्देशक, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ थे, लेकिन ये वो लोग जान सके जो उनके पास गए, उनके करीब रहे। और जब भी किशोरदा के हम गीत सुनते हैं तो मानो ऐसे लगता है कि किशोरदा थे नहीं, किशोरदा है। और आज वाकई में आपने जो जान डाली है, तो एक और गीत अर्णव जी हमारे नजर करने जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं इस बेहतरीन अंदाज को। थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू, मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू, मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू, भोरे की गुंज
मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है तुझी पर मिटूंगा ये फरार है गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है तुझी पर मिटूंगा ये फरार है तू इतना समझ ले मेरे हम सफर तेरे प्यार से मेरा संसार है भौरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए भौरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया अर्नव जी. वाकई में बहुत ही बेहतरीन अंदाज की शुदा के आपने हम सभी के लिए पेश की है. दोस्तों हम सभी को इस बात का बड़ा ही गर्व है और कायम रहेगा क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिसमें कई जाति कई धर्म कई भाषाओं के लोग रहते हैं. जी हाँ अलग अलग प्रांत में यहाँ पर 2000 से भी अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं लेकिन फिर भी हम सभी हिंदुस्तानी हैं एक दूसरे के दिल की बात को समझते हैं और संगीत तो इतना बढ़िया जरिया है जो हमें बांध के रखता है फिर चाहे पूर्व से पश्चिम को और दक्षिण से उत्तर को. आज हमने कुछ सोचा है कि कुछ झलकियां इस शो के जरिए हो अलग अलग भाषाओं के गीत आपके खिदमत में पेश किए जाए. तो आज कुछ भाषाओं के गीत जो हैं हम एक के बाद एक आपके नज़र करने वाले हैं. शिफाली जी एंड ऑफकोर्स संगीता जी और आनंद जी मिलकर इन गीतों को आपके नज़र करने वाले. तो आइए सुनते हैं कौन कौन सी भाषाएं इसमें हमने शामिल की है. जी हाँ वल्लौरे नाथवा हो वल्लौरे रामा वल्लौरे नाथवा हो वल्लौरे रामा डोलकर 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 दरिया सा राजा
घर पाण्यामनी बंदराला करतो ये जा मी डोलकर 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 दर्याचा राजा वल्लव रे नाथवा हो वल्लव रे रामा वल्लव रे नाथवा हो वल्लव रे रामा वल्लव रे नाथवा हो वल्लव रे रामा वल्लव रे नाथवा हो वल्लव रे रामा। अगली बारी है एक साउथ इंडियन लैंग्वेज की। बाद कहा क्या अर्णव जी, यह आपका गाना है, बंगाली आई है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो खास करके सलील चौधरी, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, किशोर कुमार, इन सारों के सेम सॉन्ग्स बंगाली वर्जन में भी है और वही सॉन्ग हिंदी वर्जन में भी है। तो अर्णव जी, एक लाइन आप हिंदी सुनाइए और उसी पे कैसे बंगाली धुन बनती है वो भी सुनाइए आप। হলো কেন হলো কবে হলো জানি না শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না তো এ কি হলো কেন হলো কবে হলো আমি শুধু বুঝি কেউ বোঝে কি না বোঝে আমি শুধু বুঝি আধারে ভুল করে আলো মিছে খুঁজি মে মরতে যায় কি দেখা দিন যায় একা 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 এ কি হলো কেন হলো কবে হলো জানি না শুরু হলো শেষ হলো হলো
इसका एक ही काम करो मेरी फरमाइश पे, एक हिंदी हो ना, ये साइन लाइन, साइन साइन लाइन, ये क्या हुआ? हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या जुआ जो दिल टूटा? हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा? शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ? ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। क्या हुआ? थैंक यू। और अब बढ़ते हैं सबसे मेन लैंग्वेज पे। आज पियो दर्शन अमृत काल का सुंबल का वो, आज पियो दर्शन अमृत काल का सुंबल का वो। ताल पुरावे दिल नी धड़कन, ताल पुरावे दिल नी धड़कन, प्रीत बजावे पाओ तारा। मस्ती नो मत वालो आशिक एक लो, के तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो। तारी आँख नो अपनी तारा, बोल नो बंधाणी तारा, रूप नी पूनम नो पागल एक लो। तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, के तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो। वाह, थैंक यू आनंद बाबू, थैंक यू सो मच। आपने अलग अलग भाषाओं के ये तमाम बहुत ही प्यारे, खूबसूरत नगमे, लोकप्रिय नगमे हमारे लिए पेश किए, धन्यवाद मैं आपका करता हूँ। एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस 110वें फाउंडेशन दिवस के अवसर पर मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जगह जहाँ पर जो है आज रुपए सिलेक्ट कार्ड का लॉन्चिंग हो रहा है। और इस समारोह में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO श्रीमान पल्लव मोहपात्रा साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD और CEO मिस्टर दिलीप अजबे साहब। तो आइए देखते हैं ये लॉन्चिंग समारोह। When was the last time you chose an experience that was selected for you? At Rupee,
We believe in bringing the finest privileges at your fingertips. Because you are of the select few who rise above. And this is for you. Because you push on to the next level. This is for you. Because you believe in well-being, in looking good. This is all for you. Selected, curated, perfected. For feeling good. Because you know that a healthy you is the highest form of you. Elevated, energized, reinvigorated. This is to pamper you. And indulge you like the royalty you are. Unwinding, perfected for you. And the peace of mind you need. Select offers for you. An experience unlike any other. That is a treat for your mind, body and soul. Selected experiences that select you above all else. The Rupe Select Card. For the select you. थैंक यू सो मच पल्लव सर, थैंक यू सो मच दिलीप सर. मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. एंड लेट मी ब्रीफ अबाउट रुपे सेलेक्ट कार्ड. द फीचर ऑफ द रुपे सेलेक्ट कार्ड प्रोग्राम आर बिल्ट ऑन वेलनेस कैटेगरी एमिंग फॉर हेल्दी लिविंग. द कार्ड होल्डर ऑफ दिस नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड विल बी एबल टू गेट कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंसेशनल एक्सेस टू वेरियस फैसिलिटीज लाइक हेल्थ चेकअप्स, health insurance and many others. Let me brief you about our NETC FASTag card. And while you are traveling, you can use NETC FASTag card launched by our Central Bank of India, cashless, convenient and toll for toll payment. Ji haan, bilkul apne safar jo hai jari rakhiyega hamare FASTag card ke zariye aur suhana banaiye apna jeevan. To ye दो कार्ड का लॉन्चिंग इस वक्त हम देख रहे थे. और बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो एक के बाद एक स्क्रीन पर आते रहेंगे. आप उन्हें भी देखते रहिएगा कि बहुत सारा खजाना इस वक्त हम लेकर आए हैं आप सभी खातिर. और इसी दौरान ये गीतों की महफिल भी जारी है आप सभी के लिए. और लीजिए आगे बढ़ते हैं. एक बहुत ही प्यारी फरमाइश यहाँ पर आई है, उसे हम पूरी करने जा रहे हैं. रफी साहब का गाया एक बहुत ही बेहतरीन डायनामिक गीत है जो पेश करने के लिए मैं सर्वेश मिश्रा जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए. आइए सुनते हैं फिल्म दी ट्रेन से इस गीत को. La 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 la. गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे. तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे. मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा. क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया. गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया.
मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्द जिगर सुन जरा हो बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। वाह कितने प्यारे शब्द थे आनंद बख्शी साहब के कमाल का। वाकई में जब भी इन आंखों को देखते हैं तो ऐसा ही असर हो जाता है ये नशा ये जादू इन आंखों में समाया हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन देव आनंद साहब का नाम होठों पर आते हैं स्क्रीन पर उनका ये खूबसूरत चेहरा और साथ में तीन चार हीरोइंस याद आती हैं। आनंद बाबू देव साहब एक ऐसे अदाकार रहे जिन्होंने कभी पिता की भूमिका नहीं की एक्सेप्ट उनके बेटे की लॉन्चिंग वाली फिल्म को छोड़कर उन्होंने पिता की भूमिका किसी में नहीं की। उनके फिल्म में हीरो नहीं बल्कि विलन नहीं बल्कि कई हीरोइंस हुआ करती थी। तो आज उन्हीं के फिल्म का एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो हमने आपकी खातिर चुना है। तो आइए सुनते हैं इस बेमिसाल गीत को। आशा जी और रफी साहब का गाया ये अंदाज आपके नज़र कर रहे हैं संगीता जी एंड सर्वेश मिश्रा। जाने कहा होके बाहर आई ओ जाने कहा होके बाहर आई पमगा मरगा पमगा मगर सनी नी नी दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई ओहो सावन लगा मचल गए बादल सावन लगा मचल गए बादल कौन हुआ दीवाना दीवाना मस्ताना हुआ
मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ होके बाहर आईया, जाने कहाँ होके बाहर आई, ओ जाने कहाँ होके बाहर आई। वाह, जैसे जैसे मैंने कहा कि वक्त बदलता है वैसे वैसे संगीत का दौर भी बदलता है। अदाकार फिल्मों में बदलते रहे, एक जमाना था अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना साहब का, जीतू साहब का, फिर एक दौर आया जिसमें एक नया हीरो जो है लोगों के सामने आया जिसे हम किंग खान यानी कि शाहरुख खान कहते हैं, उन्हीं की एक ऐसी फिल्म का गीत हम आपके नज़र करने जा रहे हैं जिस फिल्म को इस साल पूरे 25 साल पूरे हो गए हैं। तो जानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आइए इसी फिल्म से सुनते हैं इस बेहतरीन गीत को। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो रुक गया है। हाँ, ट्रांसमिशन लाइव रुक गया है, थोड़ी देर के लिए आप बैठे रहिए, इंटरनेट थोड़ा सा डाउन हो गया है। ओके,
ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर थोड़ा सा व्यत्यय जरूर आया था, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा इंटरनेट की ओर से वजह से, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है और जरा भी अगर थोड़े से 19-20 हो जाती हैं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं फिर एक बार जो है आपकी सेवा में यहाँ पर हाजिर हूँ, जहाँ से आप रुक गए थे वहीं से हम शुरू होने वाले हैं फिर से। आज वाकई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 110वें स्थापना दिवस पर ये हमें प्रोग्राम करने का मौका जो हासिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य हम समझते हैं। और आज बहुत सारे बड़े प्यारे प्यारे गीत जो हैं इस वक्त हम आपके नज़र कर रहे हैं। आज हज़ारों लोग जो हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं लाइवली। और यहाँ पर आनंद जी हम आगे बढ़ रहे हैं एक और बहुत ही प्यारे गीत के साथ। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे इंडस्ट्री के एक और बहुत ही प्यारे शख्स का, जिन्होंने अपने जीवन में अपने करियर में 900 गीत गाए, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, और बहुत ही कम गीत उनके हिस्से में आए, लेकिन कमाल के गीत रहे, बड़े ही यादगार गीत रहे, और वो फनकार रहे स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर साहब। आज उन्हीं का एक बहुत ही बेहतरीन गीत जो है फिल्म पूर्णिमा से आपके नज़र हो रहा है, तो आइए सुनते हैं इस दो गाने को जिसे संगीता जी और आनंद पालवनकर आपके नज़र कर रहे हैं। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज, हम जिंदगी का गीत हो तुम गीत का अंदाज, हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज, हम जिंदगी का गीत हो मेरे हम सफर। प्यार की तुम इत्तेहा हो, प्यार का आवाज हम, प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज, हम जिंदगी का गीत हो तुम गीत का, सफर मेरे हम सफर। जिक्र हो जब आसमां का या जमी की बात हो, खत्म होती कहीं की बात हो हसी तुम महजबी तुम नाजनी तुम नाज, हम नाजनी तुम नाज, हम सफर में
जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 110वें स्थापना दिवस पर मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी हो रही है, इस वक्त हमारे साथ हम सफर बने हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, और ये बहुत ही कामयाब सफर रहा इनके साथ। कई मिशन पे हमने काम किया, गो ग्रीन मिशन, 30,000 जो हैं पेड़ लगाए गए, देन मेरा देश मेरा योगदान। भाई इसके बाद कुछ सोशल एक्टिविटीज़ की ओर भी हमने ध्यान बढ़ाया है, और ये एक ऋण होता है समाज का जो हम चुकाए जा रहे हैं इन सारे प्रोजेक्ट के ज़रिए। यहाँ पर हमने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट लाया है, सुनहरा बचपन एजुकेशन फॉर 4,000 चिल्ड्रन, और ये सब काम हो रहा है क्राय से जुड़कर। जी हाँ, क्राय वो संस्था है चाइल्ड राइट्स एंड यू, जो कि ग्लोबली काम कर रही हैं, जो एक एनजीओ संस्था है, और आज इस संस्था की ओर से जो है यहाँ पर तकरीबन 40,000 बच्चों को, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देने का काम जो है हो रहा है। पर बच्चा 800 रुपये की स्पॉन्सरशिप उन्हें हासिल हो रही है। एक ये बहुत बड़ा योगदान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की ओर से होने जा रहा है, तो आइए इसका एक विवरण हम देखते हैं इस AV के जरिए। अगर आप इन अक्षरों को पढ़ पा रहे हैं तो यकीन मानिए बड़े ही खुशनसीब हैं, क्योंकि भारत में तकरीबन 3.5 करोड़ बच्चे बड़ी मुश्किल हालातों में जीवन जीते हैं। उनसे जबरदस्ती बाल मजदूरी करवाई जाती है और शिक्षा से कोसों दूर रखा जाता है, जो कि उनका मूल अधिकार है। पर अब आपके हाथों में उनकी किस्मत बनाने का एक अनोखा मौका है। आप उन्हें शिक्षा का महादान दे सकते हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लेकर आए हैं सुनहरा बचपन। भारत के प्रमुख NGO क्राई के सहयोग से बच्चों को सुनहरा बचपन और एक सुरक्षित भविष्य देने की ठानी है। इसीलिए हर 80,000 प्रीमियम पर 1% जाएगा एक जरूरतमंद बच्चे के शिक्षा की ओर, उनके बेहतर भविष्य की ओर। तो इस महीने जब आप जिंदगी सुरक्षित करेंगे तो किसी बच्चे का भविष्य खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा। In India, around 35 million children don't have access to education. But you can help change this. You can give the gift of learning and protect their future. Central Bank of India and Tata AIA Life Insurance bring you Sunehra Bachpan. By partnering with one of India's leading NGOs, CRY, we will help shape the future of the budding visionaries of our country. For every 80,000 premium clocked in, 1% goes towards educating an underprivileged child and uplifting their life. So this month, when you protect lives, you transform another. सब कुछ यहाँ है बड़ा निराला,
जिसे देख तुम्हें ताजुब हो। इस दुनिया में है कितना सब कुछ मुझे अब है देखना है सीखना, मुझे बस एक स्कूल चाहिए जो कहे तुम आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच भाई। आज वाकई में एक भारतीय होने के नाते मुझे बड़ा ही फक्र हो रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर। वाकई में एक बहुत बड़ा योगदान उनकी ओर से सारी दुनिया के लिए हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे तमाम संगीत प्रेमी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारा प्यार है, आपका प्यार है जो हमें आपकी ओर खींच लाया है। लीजिए इस बात को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन गीत डुएट हम आपकी नजर कर रहे हैं, दिल तेरा दीवाना फिल्म से। बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लीला मर गए। है दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानती हो तुम कुछ न कहेंगे हम, हाँ जानती हो तुम कुछ न कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, हर मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, हर मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम।
मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। तेरी आंखों में जो सुरूर है सारा इसी का तो कसूर है। सैयां जानी नगरी प्यार की, सैयां जानी नगरी प्यार की, हाय नादा ये दिल मेरा मजबूर है। जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार, हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, हाय मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओए मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। शाम का वक्त, नदी का किनारा, और जैसे कि मौसम की नज़ाकत है, वाकई में बहुत ही अच्छी सर्दी है इस वक्त मुंबई में भी। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, कम हुआ, लेकिन फिर भी 23 डिग्री सेल्सियस में भी मुंबई कर जो है बड़े अपने आप को सुखी समझते हैं। ऐसे में कोई किसी से अगर दिल की बात कहें, प्यार का इजहार करें, तो क्या कहें। चलिए, ऐसे ही प्यार करने वालों के लिए एक छोटा सा उपहार समझिए आज के दिवस का। ये बहुत ही बेहतरीन गीत फिल्म दिल्ली घटक से आपकी नजर हो रहा है, और इसे पेश कर रहे हैं संगीता जी और अर्नव जी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल में करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। वहां का जवां हो, बुलंद आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी ना होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। वाह आनंद पालनकर साहब, इस वक्त चारों ओर से जो है फरमाइशें आ रही हैं कुछ इस तरह की, मैं आपको बता दूं। यस यस यस, सूफी भी आएंगे तो लिस्ट में गाना है। बिल्कुल, उनकी फरमाइशों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी फरमाइशों को आनंद तक पहुंचा चुका हूं और अब आनंद जी जो हैं आपकी फरमाइशों को पूरी करेंगे। यस, सूफी गाना भी है इसमें आएगा। हिंदुस्तानी खास करके बॉलीवुड संगीत में क्लासिकल संगीत का एक अपना अलग महत्व है। फ्रॉम कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक के ज़माने से आज शंकर महादेवन, ए आर रहमान के ज़माने तक हर सिंगर ने अपने अपने क्लासिकल स्टाइल में अलग अलग राग में गाने गाए। तो इस मोड़ पे हमें क्लासिकल कलर यहाँ पे पेश करेंगे। ऑफ कोर्स द मास्टर मन्ना डे साहब और उनका राग भैरवी पे जो राज कपूर साहब पर फिल्म आया गया था, फिल्म दिल ही तो है। आइए सुनते हैं। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, जाके बाबू से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा। सेम राग, सेम संगीतकार, सेम सिंगर। अजी फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जवा में चो, दुंगी में दुहाई कहे चतुर बनत छिछोरी करत हर जाए, फुल गेंद वान मारो न मारो, फुल गेंद वान मारो न मारो, लगत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जवा में चो। कोरी चुनरिया यात मा मोरी,
मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। सप्त सुरल तीन ग्राम बंसी बाजे, रेसा सानी सानी निध निध द पपा मम ग झांझर घन के झन नन 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 नदिड़ धीम तुम नन नन तन तन नातिम तन नदिद ताम नू अधेरे नातिम तन ननिद ताम ताम नदिरे नातिम तन ननिद ताम। सूफी सुनने का तो आइए कि फिल्म सिंगिंग किंग से एक सुनते गाना सूफी, जिसमें राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल डी। संगीत प्रीतम का है ना, शेफाली प्रीतम, यस संगीतकार हैं प्रीतम, राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल। तेरी ओ, तेरी ओ।
रब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जार कोई छोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। एक हीर थिया कहते हैं मेरे गांव में, सच्चा है दिल तो सौ मुश्किलें हो झुकता नसीबा पांव में। आ चल तेरा रब्बा पलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई भार कोई जोर, तेरी ओर 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 हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। दिल हो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का रास्ता नया रब्बा, दिल छू रहा है खींचे मुझे कोई डर कोई छोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी इस वक्त मैं जानता हूं बहुत सारी प्यारी प्यारी फरमाइशें हमारे पास आ रही। मैं आनंद बाबू से थोड़ी गुफ्तगू कर लूं एक बार। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर हम तय कर रहे हैं कुछ फुट टैपिंग म्यूजिक आपके लिए पेश किया जाए, क्योंकि धमाका होना चाहिए, ब्लास्ट होना चाहिए, यही बात मैं आनंद जी से बता रहा था और आनंद जी ने ये तय किया है कि नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कुछ फुट टैपिंग म्यूजिक जो है हम आपके नज़र कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारे गीतों का सिलसिला यहाँ पर आपके नज़र हो रहा है। यहाँ पे वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर सम न्यू सॉन्ग्स, वी कैन टेक अ मेडली ऑफ न्यू सॉन्ग्स, टू थ्री लाइंस ऑफ ईच सॉन्ग वी विल ट्राई टू प्रेजेंट इन दिस शॉर्ट मेडली। चलिए नए गानों का थोड़ा झलक देखते हैं। जहाँ पे भी है टीवी सेट के सामने सबको डांस करना है इसमें। रंगीलो मारो ढोलना ढोलना वे, रंगीलो मारो ढोलना ढोलना वे, आरा रा रा आरा रा आयो रे मारो ढोलना, आयो रे आयो रे आयो रे मारो ढोलना, आ रा रा रा
गीत जरा सुन ले, प्यार के गीत जरा सुन ले। मैं आया रे बाजे रे ए ढोली तारो ढोल बाजे ढोल के झम झम बाजे ढोल ए ढोली तारो ढोल बाजे ढोल के झम झम बाजे ढोल। हे हे छोरी बड़ी अनमोल, मीठे मीठे इसके बोल, आके इसकी गोल 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 तो झम झम बाजे बाजे रे ए ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के धम धम बाजे ढोल के धम 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 बाजे जो धुन बजी है तो मंच पर आ रहे हैं सर्वेश मिश्रा जी, थोड़ा सा रॉक एंड रोल भी हो जाए, क्या कहते हैं? चलिए धमाल रॉक एंड रोल आपकी नजर हो रहा है इसके बाद। और मैं जानता हूं जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ बने रहे रॉक एंड रोल के साथ। Thank you.
ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा गिरती हो कहां, महफिल महफिल ऐ शमा गिरती हो कहां। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आनंद पालवनकर हम सभी से कुछ कहने जा रहे हैं अगला गीत पेश करने से पहले। तो एक अनोखा गीत है आज की शाम का,
जी हाँ, यहाँ पे हम लोग अभी एंड की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे खास 110 साल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनको भी पूरे हुए और लगभग 110 साल हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी पूरे हुए। इस प्रोग्राम में बॉलीवुड संगीतकार के उन तमाम प्रमुख गायक गायिकाओं को, संगीतकारों को, गीतकारों को, फिल्मों को हमने याद किया। एक दो मिनट चाहूँगा, मेरी एक पर्सनल खुद की एक ख्वाहिश है कि बॉलीवुड संगीत का जो कहते हैं ना बेस, जिस पर बॉलीवुड संगीत की इमारत आगे चल के बहुत लंबी, बहुत ऊंची खड़ी हुई, वो बेस में थोड़ा जाते हैं हम लोग और संगीत का जो बोलते हैं ना एक आत्मा, जो पहला कदम, पहला प्रयत्न और पहला प्रयास जिन संगीतकारों ने किया, जिन गीतकारों, जिन गायक कलाकारों ने किया, उसमें सबसे प्रमुख नाम है कुंदन लाल सहगल साहब। एक उनकी अभी एंड में आ रहे हैं, हमारे जैसे प्रथा है कि हम लोग महफिल का एंड भैरवी से करते हैं। राग भैरवी में भी उनकी एक नज़म है फिल्म स्ट्रीट सिंगर से, मात्र दो मिनट की है, तो मैं उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। तो जस्ट दो मिनट गौर फरमाइए और बाकी सारे सिंगर्स को मैं गुजारिश करूँगा जैसे ये गाना ख़त्म होता है तो हम लोग जो है अमरन लिस्ट में लास्ट उस पर आएंगे हम लोग। तो कुंदन लाल सहगल को सुनते हैं, कोशिश करूँगा ट्रिब्यूट देने की। बाबुल मुरा नहीं हर छूटो जाए, बाबुल मुरा मुरा नहीं हर छूटो जाए, बाबुल मुरा नैहर छूटो जाए, बाबुला मोरा मोरा नैहर छूटो जाए। चार कहाँ रा मिलाए मोरी डोलिया सजावे, चार कहाँ रा मिलाए मोरी डोलिया सजावे, मोरा अपना बेगाना छूटो जाए, बाबूला मोरा मोरा नैहर छूटो जाए। अंगना को पर्वत भयो और दहरी भई विदेश, अंगना को पर्वत भयो और दहरी भई विदेश, ए बाबुल घर आपनो मैं चली पिया के देश, बाबुल मुरा नैहर छूटो जाए, बाबुला मोरा मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। थैंक यू सो मच। और आइए बढ़ते हैं इस दौर पर, ये जो गाना अभी आने वाला है कोई फिल्मी गाना नहीं है, याद कीजिए 80s का वो दौर जहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने लोक सेवा संचार परिषद के माध्यम से एक पेट्रियोटिक डॉक्यूमेंट्री कह सकते एक बनाई थी और जिसमें हमारे हिंदुस्तान के तमाम दिग्गज कलाकार, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अमजद अली खान साहब, लता मंगेशकर, झाकिर हुसैन और बहुत सारे ऐसे
तमाम दिग्गजों ने हम सबको एक संदेश दिया था जिस संदेश की आज बहुत ज़रूरत है, और ये हिंदुस्तान की तमाम 14 प्रमुख भाषाओं में आधारित है। हर भाषा में उन्होंने वही संदेश दिया है कि अगर मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो कोशिश करेंगे उस 14 लैंग्वेज को हम लोग छूने की। सब सिंगर्स लोग यहाँ पे आ चुके हैं, रेडी भरत? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हलके हलके। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा चांद तरज थई ज्ञान तरज वट बनिए सौंतरन। तेरा सुर मिले मेरे सुर देना मिलके बने एक नवा सुरता। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुझो सुर सुंदे सा प्यारा मिले जदे गीत असांजो मधुर तराणो बने तदे। सुर का दरिया बहते सागर में मिले बदलांदा रूप लके। बरसन हौले हौले दिसंदाय नम इरुवळिन सुळवुं नमदाळुं। दिसेंदेळाळाळं आळिधे आळिधै मोगिलाय मळयाय पोळवळ पोळ इसै नम इसै। धन धनिया निम्न धनिया ना सुरमु नी सुरमु संगम मणिमन सुरंग अवदलिंजे। इंदे स्वरगम इंद उड़े स्वरगम उत्तुजेनु नम उड़े स्वरमा। तोमार शोर मोदेर शोर सृष्टि को रूप हुई को शोर। तोमार शोर मोदेर शोर सृष्टि को रूप हुई को शोर। सृष्टि को रूप हुई को मै सूर जो तारो मारो बने आपनो सूर निराळो। माझा तुझा जुळता तारा मधुर सुराचा बरसती धारा। सूर की मिले सुर मेरा तुम्हारा।
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आनंद पलवनकर, आज बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये जो आज सारा प्रोग्राम आपने देखा, इस प्रोग्राम के पीछे और एक शख्स की बहुत ही कड़ी मेहनत और बहुत ही स्टडी वाला काम है, और बहुत ही बोलते ना कॉम्प्लिकेटेड बात, और वो है हमारे जितेंद्र भाई। जितेंद्र सर, मैं उनसे प्लीज, ये लिस्ट बनाने के लिए सॉर्ट आउट करने से बहुत मेहनत इन्होंने की है, और ये आज का प्रोग्राम। आनंद भाई थैंक यू, तो मुझे आपका बोलना है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आई थैंक मिस्टर आनंद पलवनकर एंड ऑल द आर्टिस्ट एंड विनायक जी फॉर मेकिंग आवर स्पेशल इवनिंग मोर मेमोरेबल टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू तिलमा। थैंक यू सो मच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आइए इसके साथ आप सभी से इजाज़त चाहते हैं, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।